दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं अलर्ट बॉक्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्क्रिप्ट रन हो और उससे पहले जो है एक अलर्ट मैसेज आए कि ताकि वो कंफर्म करे या ना कंफर्म करे, यस करे या नो करे, ये उससे पहले कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद ही आपका स्क्रिप्ट रन हो, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप इस डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ ताकि कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो उससे पहले ये प्रॉम्प्ट खुले और इसमें अगर यस करेगा तभी वो आगे जाए, अदरवाइज नो हो, मतलब नो होगा तो ये बैक चला जाएगा, अदरवाइज यस करेंगे तो कोड को आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये कोड रन हो रहा है, मैंने बना रखा है, तो इसको मैं अगर यस करूँगा तो ये नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, ये एक और मैसेज जनरेट करेगा। ये यहाँ के कंफर्मेशन के लिए ये देखिए यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। अगर एक नो करेंगे तो नो का भी देख लेते हैं, नो का क्या सीन है। नो ये डिक्लाइन करेगा, परमिशन डिनाइड। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ, अब जो नया लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो जो है अब एक्सटेंशन के अंदर जाना है और ऐप स्क्रिप्ट है इसके अंदर आना है और इसमें एक फंक्शन डिफाइन करना है। मैं आपको कोड एक एक करके बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। आप जैसे वैसे कोड करेंगे आपका ये मैसेज अलर्ट्स बन जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कोड बनाना। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए फंक्शन ठीक है। और उसके बाद से शो अलर्ट करके एक ये है, इसको करना है। उसके बाद से इसको क्लोज और यहाँ पे ब्रेक, ये छोटा ही लेगा तभी मानेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल का नाम है यूआई। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई मैन्युअली वर्क करते हैं, मैन्युअली आप कुछ जो है मेनू ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें साइड बार लगाना चाहते हैं या मेनू लगाना चाहते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूआई होता है, यूजर इंटरफेस। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया और इक्वल टू करके हमने स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई कर देते हैं। स्प्रेडशीट ऐप हो गया। उसके बाद गेट UI करेंगे तो ये वाला आ गया। उसके बाद से इसको ब्रैकेट ओपन और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं। अगर आपको छोटा लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं हम रिजल्ट के नाम से, ताकि यही चीज़ हमारे को ये प्रॉम्प्ट दिखेगा कि जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो उस पर कैसे दिखेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूआई को कॉल करेंगे, जो इंटरफेस है उसको कॉल करेंगे और अलर्ट करेंगे। उसके बाद से ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दिखा रखा है, ये देखिए जैसे इस पर, तो हमें उस पर नहीं जाना है। अब हम यहाँ चलते हैं और सिंगल कोट के अंदर लिखें, डबल जैसे हो गया नहीं, सिंगल कोट के अंदर हमें लिखना है प्लीज़ कन्फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके का टाइटल है, मतलब जो अलर्ट मैसेज आएगा उसके पहला जो टाइटल क्या लिखा रहेगा ये वो चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमा लिखेंगे। अब इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर फिर डबल कोट लिखेंगे और डबल कोट के अंदर लिख देते हैं हम जैसे आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा ये कॉमा लगा के और फिर एंटर करते हैं और यहाँ पे यूआई को कॉल कर देते हैं। यूआई कॉल किया हमने डॉट और ये बटन ले लेते हैं, बटन सेट करके लेंगे, बटन सेट। अब इसके बाद से यस या नो, अगर यस करेगा तो आगे जाएगा, अदरवाइज नो करेगा तो नहीं जाएगा। यस और नो का हम लेते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, यस या नो का।
मतलब यस करेगा तो कोर्ट को आगे ले जाएगा, नो करेगा तो कोर्ट को वहीं रोक देगा और वहीं से वापस आ जाएगा। तो हमने अब जो हमने ओपन किया था, ये देखिए ये पर ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सेमी कोलन यूज करते हैं और इसके बाद से अब चलते हैं, अब वैलिडेशन करते हैं इफ़ लगा के कि यस करेगा तो क्या करेगा, नो करेगा तो क्या करेगा। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ये अब एग्जीक्यूट होगा। तो अब इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ के अंदर हमने रिजल्ट को कॉल कर दिया, रिजल्ट। अब रिजल्ट कंफर्मेशन करना है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू आई डॉट बटन, ऊपर वाला बटन सेट नहीं करना है। इसके बाद से यहाँ पे यस यस कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट सेमी कोलन ये वाला चालू, ये हमने डिलीट कर देते हैं, ये गड़बड़ करेगा। अब इसके बाद से यूआई, फिर इसके बाद से फिर हम यूआई डॉट अलर्ट, उसके बाद से अब मान लो कि यस करता है तो क्या मैसेज आएगा आगे, कन्फर्मेशन रिस। अब जो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है आपको, आप जो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे और ब्रैकेट तो क्लोज है ही, हमारा एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अभी सवाल ये है कि अगर यस हो गया तो कन्फर्म कर दिया, अब नो होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे एल्स यूज करेंगे, एल्स और ब्रैकेट ओपन। अब क्या करते हैं, यूआई फिर लेते हैं, यूआई उसके बाद से हम अलर्ट, अब यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट के अंदर कि अगर डिनाई करना है तो परमिशन डिनाइड डॉट, इसके बाद से हमने सेमी कोलन क्लोज कर दिया, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है, और हमने यहाँ पे अब हमें दो ही ब्रैकेट रखने हैं। तो पहला ब्रैकेट तो ये हो गया, ये देखिए ये इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रैकेट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसका ये हो गया, मतलब कि इफ़ यहाँ चालू हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। इफ़ और एल्स, अगर इफ़ और एल्स आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको ये चीज़ के लिए मतलब इफ़ और एल्स का मतलब ये हुआ कि इफ़ अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ये वाला मतलब यस होगा तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो कंडीशन अगर मैच नहीं करता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट करे। इफ़ अगर यस हुआ तो ये वाला मैसेज, अगर नहीं हुआ तो एल्स इसलिए लगाते हैं कि ये वाला प्रिंट कर दे। अगर कंडीशन मैच हो गया तो ये वाला, नहीं मैच हुआ एल्स तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये कोड को हमने कर दिया है और मैं पहले वाले कोड को जो है पहले वाले कोड का मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, इसका सेव करके यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल आ गया। तो हमने जो कोड किया था प्लीज़ कन्फर्म मैंने बताया था, प्लीज़ कन्फर्म का मतलब ये हुआ कि ये जो आप वेरिएबल यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं ना यू आई डॉट अलर्ट, तो पहला जो डबल सिंगल कोड के अंदर लिख रहे हैं तो ये टाइटल ले रहा है, टाइटल। अब आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो ये जो नेक्स्ट वाला जो आप लिखेंगे वो वहाँ पे ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद से यस और नो है, तो यस करेंगे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हमने इफ़ लगाया था, इफ़ और एल्स लगाया था, इफ़ रिजल्ट ये वाला अलर्ट में अगर यस मिलता है यहाँ पे तो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, और नो मिलता है यहाँ पे, नो मिलता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। तो अगर मैं यस करूँगा तो ये वाला मैसेज आना चाहिए, अगर मैं यस करता हूँ तो ये देखिए कन्फर्म रिसीव्ड, कन्फर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है। और अगर नो करता हूँ तो ये वाला मैसेज आएगा। तो मैं ओके कर देता हूँ और फिर से चलाता हूँ इसको, यहाँ चलते हैं, ये मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे परमिशन डिनाइड हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइज़ आपने देखा कितना आसान था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।